सलमान खान की वो 10 सबसे बड़ी फिल्में जिनकी पहली पसंद कोई और थे। किसी भी कलाकार के सामान्य से स्टार बनने और स्टार से सुपरस्टार बनने में कई पड़ाव आते हैं। इस दौरान वो कई फिल्मों को ठुकराता है तो कई फिल्में उसे ऐसी मिलती हैं जिन्हें कोई और ठुकरा चुका होता है। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम आजकल के सबसे चहेते फिल्म स्टार सलमान खान की 29 ऐसी फिल्मों की बात करने वाले हैं जिनकी पहली पसंद कोई और हीरो थे। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1989 में आई उस फिल्म से जिसने सही मायनों में सलमान खान को स्टार बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया की, जिसके लिए पहले क्रमशः दीपक तिजोरी, पीयूष मिश्रा, फरहान खान और बिंदु दारा सिंह के नाम पर भी विचार किया गया था। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि अंत में फिल्म सलमान खान की झोली में आ गई। साल 1991 में आई फिल्म पत्थर के फूल की बात करें तो जिसे साल 1988 में आमिर खान को ध्यान में रखकर खुद सलमान खान के पिता सलीम खान ने लिखा था, लेकिन जब अगले ही साल मैंने प्यार किया ब्लॉकबस्टर साबित हुई तो पत्थर के फूल के निर्माता ने सलीम खान से कहकर सलमान खान को साइन कर लिया। बात करें साल 1992 में आई सलमान खान की फिल्म सूर्यवंशी की, तो इसके लिए पहले दीपक मल्होत्रा को लिया गया था। जी हाँ, वही दीपक मल्होत्रा जिन्हें आप तेजस्विनी फिल्म में सत्यजीत की भूमिका में देख चुके हैं। उन दिनों दीपक यशराज फिल्म्स की लम्हे में काम कर रहे थे, इसीलिए डेट्स की कमी के कारण उन्होंने सूर्यवंशी फिल्म को करने से मना कर दिया। अब बारी आती है साल 1994 में आई सलमान की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके हैं कौन की, जिसके लिए सूरज बड़जात्या की पहली पसंद थे आमिर खान। लेकिन आमिर खान को फिल्म की कहानी कुछ खास अच्छी लगी नहीं। ऐसे में सूरज एक बार फिर से अपने पुराने प्रेम अर्थात सलमान खान के पास जाते हैं और आखिरकार उन्हें फाइनल कर लेते हैं, जिनकी उन दिनों बैक टू बैक 7 फिल्में पिट गई थी। अगले ही साल 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन के बारे में तो आपको पता ही होगा। फिल्म में करण की भूमिका के लिए पहली पसंद थे अजय देवगन। अब बात करें साल 1997 में आई सलमान खान की बेहद लोकप्रिय फिल्म जुड़वा की, तो डेविड धवन ने इस फिल्म में पहले गोविंदा को साइन किया था, लेकिन सलमान खान ने गोविंदा से आग्रह किया कि ये फिल्म वो उन्हें दे दें। ऐसे में गोविंदा अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए सलमान खान को उन्होंने ये फिल्म दे दी। इसके अगले ही साल 1997 में आई सलमान खान की एक और फिल्म जब प्यार किसी से होता है, इसकी पहली पसंद थे आमिर खान। अब बात करें साल 1999 में आई जानम समझा करो की, तो इसके लिए पहले सुनील शेट्टी को साइन किया गया था, लेकिन बाद में डेट्स की कमी के कारण उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। इसी साल सलमान खान की एक अन्य फिल्म बीबी नंबर 1 की पहली पसंद गोविंदा थी, लेकिन उन्होंने फिल्म को ये कहते हुए छोड़ दिया कि इसकी कहानी उनकी पुरानी फिल्म साजन चले ससुराल और अनाड़ी नंबर 1 से काफी हद तक मिलती जुलती है। इसके अगले साल 2000 में सलमान खान के एक अन्य लोकप्रिय फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे आई। इस फिल्म को पहले संजय दत्त को ऑफर किया गया था, लेकिन वो एक टिपिकल रोमांटिक फिल्म करना नहीं चाहते थे। इसी साल आई हर दिल जो प्यार करेगा, जिसमें सलमान खान वाली भूमिका के लिए पहली पसंद अनिल कपूर थे। इसके अलावा साल 2001 में आई सलमान की एक बेहद ही हटके फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके, जो कि सरोगेसी पर आधारित थी। ये फिल्म शाहरुख खान को ऑफर की गई थी, लेकिन डेट्स की कमी के चलते उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। बात करें साल 2002 में आई तुमको ना भूल पाएंगे और हम तुम्हारे हैं सनम, ये दोनों ही फिल्में पहले संजय दत्त को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने दोनों ही फिल्मों को ठुकरा दिया। इसके अगले ही साल 2003 में सलमान खान के करियर में मील का पत्थर साबित होने वाली फिल्म तेरे नाम आई, जिसके लिए पहली पसंद संजय कपूर थे।
और उनके बाद अजय देवगन के नाम पर भी विचार हुआ था। साल 2004 में आई फिल्म गर्व, जिसके निर्देशक पुनीत इस्सर की पहली पसंद सनी देओल थे, पर ऐसा हो नहीं सका। गर्व के बाद बारी आती है साल 2005 में आई फिल्म क्योंकि की, जिसके लिए पहले शाहरुख खान से बातचीत की गई थी, लेकिन रोल पसंद ना आने के कारण उन्होंने इसे मना कर दिया। बात करें साल 2006 में आई सलमान खान की एक अन्य लोकप्रिय फिल्म बाबुल की, तो इसके लिए पहले आमिर खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने भी कहानी ना पसंद आने के चलते फिल्म को ठुकरा दिया था। ऐसे ही कुछ साल बाद साल 2008 में आई सुभाष घाई की फिल्म युवराज, जिसके लिए पहले आमिर, शाहरुख और सलमान तीनों को ही कास्ट करने की चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में जब आमिर और शाहरुख को कास्ट नहीं किया जा सका तो वो आमिर खान वाली भूमिका सलमान खान को दे दी गई और बाकी के अन्य दो भूमिकाओं के लिए अनिल कपूर और जायद खान को साइन कर लिया गया। बात करें साल 2009 में आई फिल्म वांटेड की, तो इसके लिए पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने फिल्म को ये कहते हुए छोड़ दिया कि इस भूमिका को महेश बाबू से अच्छा कोई नहीं कर सकता और ऐसे में उनकी नकल करना अच्छा नहीं लगेगा। इसी साल सलमान खान की एक अन्य फिल्म लंदन ड्रीम्स भी देखने को मिली, जिसके लिए एक बार फिर से पहली पसंद आमिर और शाहरुख खान थे, लेकिन बाद में इनकी जगह पर क्रमशः सलमान खान और अजय देवगन को साइन किया गया। इसके अगले साल 2010 में सलमान खान के एक बेहद ही बड़े बजट की फिल्म वीर आई, जिसकी कहानी खुद सलमान खान ने 20 वर्ष पहले ही लिखी थी। अब यहां आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस समय सलमान खान इस फिल्म के हीरो के तौर पर संजय दत्त को लेना चाहते थे। बात करें इसी समय सलमान खान की एक अन्य बेहद कामयाब फिल्म दबंग की, तो इसमें चुलबुल पांडे की भूमिका के लिए निर्देशक अभिनव कश्यप की पहली पसंद रणदीप हुड्डा थे। अब चलते हैं साल 2012 में आई एक था टाइगर की तरफ, जिसके लीड रोल में पहले शाहरुख खान को कंसिडर किया गया था, पर उनके मना करने के बाद ऋतिक रोशन के नाम पर भी विचार हुआ। साल 2014 में आई किक की स्टार कास्ट शुरू में ऐसी नहीं थी। इस फिल्म में सलमान खान वाली भूमिका के लिए क्रमशः अक्षय कुमार और सैफ अली खान के नाम पर भी विचार हुआ था, लेकिन दोनों ने डेट्स की कमी के चलते फिल्म को छोड़ दिया। अब यहां आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि साल 2015 की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म बजरंगी भाईजान पहले ऋतिक रोशन की झोली में आई थी, लेकिन अपने पिता राकेश रोशन के कारण उन्हें ये फिल्म छोड़ना पड़ा। इसके अगले ही साल आई फिल्म सुल्तान को लेकर ये कहा जाता है कि ये फिल्म पहले अर्जुन कपूर को ऑफर हुई थी। जरा सोचिए, हरियाणा के पहलवान सुल्तान अली खान के रूप में अर्जुन कपूर कैसे लगते? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। खैर, बात करें साल 2013 में आई उनकी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर फिल्म रेस की, तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट जब की गई थी तो इसके लीड एक्टर के तौर पर ऋतिक रोशन का नाम उभर कर आ रहा था। वीडियो के अंत में हम जिक्र करना चाहेंगे अभी पिछले साल ही आई फिल्म अंतिम की, जिसके बारे में ये जानना बेहद रोचक है कि इसमें सलमान खान वाली भूमिका पहले शाहरुख खान करने वाले थे। तो ये है सलमान खान की वो 29 फिल्में जिनकी पहली पसंद कोई और हीरो था। वैसे सलमान की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।